हेलो फ्रेंड्स, मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। मैं आदित्य जैन, CA CSCMA CFA का फैकल्टी, मैं आज आप लोगों के बीच में एक टॉपिक डिस्कशन करना चाहता हूं जिसका नाम है अमेंडमेंट्स इन SFM। तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि क्या SFM में अमेंडमेंट्स होते हैं, तो उसका आंसर यह है कि SFM इज नॉट अ सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन एनी एक्ट और रेगुलेशन, हैंस देर इज नो मेजर अमेंडमेंट्स इन दिस सब्जेक्ट। तो इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं होता है, इसलिए हम बच्चों को एडवाइस देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने SFM की कोचिंग ले दें ताकि वो अपने अदर सब्जेक्ट की तैयारी अकॉर्डिंगली कर सके। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी नहीं होता तो ये गलत बात होगी। कुछ चेंजेस हर एग्जाम्स में आते रहते हैं, हाउएवर सॉल्यूशन ऑफ फ्यू क्वेश्चंस मे बी अमेंडेड बाई CA CMA इंस्टीट्यूट इन एवरी एग्जाम, जो कि हम जब इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशंस देखते हैं तब हम ये पाते हैं। जैसे ये स्क्रीनशॉट मैंने इंस्टीट्यूट की मटेरियल से उठाया है, करेक्शंस हैं प्रैक्टिस मैनुअल में, स्टडी मटेरियल में, रिप्लेसमेंट है आंसर्स में, कुछ वेबसाइट के थ्रू वो करेक्शंस देते हैं, कुछ वो जब गलतियां हो जाती है तो उस चीज़ को मानते हैं और वो वेबसाइट के थ्रू इसे अपलोड कर देते हैं। और क्या चेंजेस आती है, और कुछ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स अमेंड के साथ साथ न्यू एडिशंस भी हो सकते हैं। तो नए एडिशंस के क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ दिन पहले ही RTP आई थी, उस पर ये कॉन्सेप्ट है एक्सपोजर मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक्स मैट्रिक्स। ये SFM का नया कॉन्सेप्ट है, पुराने स्टूडेंट्स जो जिन्होंने पहले बैच लिया होगा, हो सकता है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया हो, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों तरह के चेंजेस को, एक तो अमेंडमेंट्स और एक न्यू एडिशंस, हम लोग एक महीने पहले हम लोग सॉफ्ट कॉपी के अंडर वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, जो हम आपके लिए ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में फोकस कर सकें, एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो वो बच्चे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनको अभी नीचे अगर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल रहा है तो उसको ज्वाइन करें, और वहां पर आप पाएंगे कि आपको आपके एग्जाम अटेम्प्ट वाइज वहां पर आपको अमेंडमेंट्स और न्यू एडिशंस मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी बहुत दिन बाद पेपर देना है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी क्लासेस करें, जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अपने एग्जाम से पहले कुछ जो चेंजेस आते हैं वो आप अकॉर्डिंगली देख लें, और बहुत कम चेंजेस होते हैं, इनफैक्ट 10 पेज भी नहीं होता चेंजेस का, और वो माइनर चेंजेस होते हैं जो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। बट जरूरी है, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप थोड़ी सी चेंजेस है तो आप छोड़ के तो नहीं जा सकते, आपको तो सारा चीज देख के जाना है। बट बच्चे परेशान होते हैं, इधर वेबसाइट देखते हैं उधर देखते हैं, उससे बेटर है कि मैंने एक जगह आपको सारा जो चेंजेस है वो बता दूंगा और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दें, क्योंकि SFM बहुत स्कोरिंग है और SFM के बदौलत आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। मैंने ये मार्कशीट आपको दिखाया जहां पर 201 मार्क्स यहां पे इन्हें सिक्योर किया है और 72 मार्क्स इनका SFM में है। इन्होंने 86 मार्क्स सिक्योर किया है SFM में, टोटल 210 मार्क्स है। यहां पर हमने एक और मार्कशीट आपको दिखाया हुआ है, 201 मार्क्स यहां पर टोटल है और 60 मार्क्स SFM में है। तो आप समझ सकते हैं एक एक नंबर के ऊपर पास और फेल का निर्णय हो जाता है। 62 मार्क्स अगेन एंड एग्जैक्ट 200 मार्क्स यहां पर SFM में है। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और डेफिनेटली इन्होंने SFM में बहुत अच्छा किया है। 67 अगेन मार्क्स SFM में है, 201 मार्क्स इनका टोटल है ग्रुप वन का, 86 मार्क्स इनका SFM में है, 228 मार्क्स इनका ग्रुप वन में है। 28 मार्क्स आपको ग्रुप टू अगर ये देते तो 28 मार्क्स वहां पर काम आता, इसे सेट ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। अगेन आप देखिए यहां पर ग्रुप टू में टोटल भी नहीं बन पा रहा था, 200 नंबर नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी ये क्लियर हैं, फिर भी इन CA का इनको डिग्री मिला है। जस्ट इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है SFM में, 60 मार्क्स इन SFM, 223 मार्क्स इनको टोटल मिला है। 23 मार्क्स ये सेकंड ग्रुप में भी यूज कर सकते थे, SFM ना आपको ग्रुप वन क्लियर कराएगा, SFM आपको ग्रुप टू भी क्लियर कराएगा। 94 मार्क्स इन SFM, 256 इन टोटलिटी, तो आप समझ सकते हैं 56 मार्क ग्रुप टू के लिए एक एडिशनल हो जाता, बट एनीवेज ये भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 94 मार्क्स इन SFM, 96 मार्क्स इन SFM, 291 इन ग्रुप वन, मतलब ये रैंकर्स लोगों का मार्क्स होता है, ठीक है,
तो मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों ग्रुप दें और SFM को बहुत स्ट्रांग करें अपना, ठीक है। और आप 100% मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने 100% सिक्योर करके भी दिखाया है। फाइन सर, तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो अमेंडमेंट्स के ऊपर मैंने आपको बनाया है ताकि लास्ट मोमेंट में आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप बहुत पीसफुली एग्जाम दीजिए और बहुत अच्छा आप सिक्योर करेंगे और बहुत अच्छा आपको मंजिल मिलेगी। वो कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अंत में मैं हमेशा यही कहूंगा, लर्न मोर अर्न मोर, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप 100% SFM में सिक्योर भी कर सकते हैं और ऑल इंडिया टॉप पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रिजल्ट है हमारे स्टूडेंट्स का जिनको SFM में 94 मार्क्स मिला था और ये ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने सिक्योर किया था। आप समझ सकते हैं कितना आपको फायदा होता है अगर एक सब्जेक्ट भी अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका हो जाता है। तो लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच।